जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा चैनल यानी बलूनी फिल्म्स। बलूनी फिल्म्स में स्वागत है आप सब दोस्तों का। मैं इस बार लेकर आया हूँ आपके लिए सातवां पार्ट। जी हाँ, इसी का भाग आठवें पार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि संवाद थोड़े लंबे थे, वीडियोस लंबी बनाई गई, जिसके मैंने दो पार्ट में बना रहा हूँ। मैं आपने दोनों पार्ट सारे पार्ट देखने हैं। सारे पार्ट देखने के लिए आपने लाल बटन सब्सक्राइब वाला काला कर देना है और घंटी का बजन बजाना है। नई नई वीडियोस के लिए आपको पूरी वीडियोस देखनी है, कट नहीं करनी है दोस्तों। अगर छूट जाता है तो एक बार जोड़ लेना हमारे बलूनी फिल्म्स के भोजपुरी इंचार्ज डायरेक्टर प्रोड्यूसर, ये सारे हैं जो इस लीला का अंश आपको, अगर आप हटे भी हैं तो आप बलूनी फिल्म्स में सब्सक्राइब करें बलूनी फिल्म्स को, और आपको इसका जितना भी वृत्तांत है जो आपसे छूट गया है, जो आप लोग नहीं देख पाते हैं, वो आपको सारी अपडेशन बलूनी फिल्म्स के लिए मिलेंगे। तो एक बार जोर डालते हैं हमारे बलूनी भाई के लिए, हमारे साथ बने हुए हैं तो इनका भी हाथ है एक बार तालियां बजवाने के लिए। ये भी रिकॉर्ड करेगी, मेरे लिए भी तालियां बजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबने सुना है, शॉर्ट नेम है कि संजय थपलियाल जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि हम सब बोलते हैं कि गौ माता, लेकिन जो निस्वार्थ सेवा करते हैं उनमें से हमारे एक बड़े भाई श्री संजय थपलियाल जी भी हैं। तो प्रणाम है कि आप बड़े लोगों का आशीर्वाद हमें बहुत अनिवार्य है। आप यहाँ पे बैठे हैं, हमें उसी का बहुत बड़ा एक सहयोग मिलता है। आप यहाँ पे हमारा जोरदार ताली भाई के लिए हो जाए। श्री रवि अग्रवाल जी का जो सहमंत्री, उनका बैच अलंकरण करेंगे। श्री बलूनी जी जो इसे लाइव दिखा रहे हैं, और अपने चैनल से इस रामलीला का मंचन जो छूट जाता है लोगों से, उनको दिखा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा माध्यम है कि एक चैनल के द्वारा आप इस किशनपुरी रामलीला कमेटी का मंचन जो आप देख रहे हैं, वो आप वहां पर भी देख सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा बलूनी फिल्म, वो बलूनी फिल्म को सब्सक्राइब करें और आनंद लें अतुल्य वीडियो का। बोलो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की। बोले महाराजा निषादराज की। क्या बात है भाई, मैं लेंडर पार हूँ। अच्छा, और एक बार तो जो है मैं भर्ती होने गया था वहां, तो मैं दौड़ने आता एक बार, और जैसे दौड़ा मैं तो मैंने खबर से अगला ख्याल आ गया, फिर मैं वापस हो गया। उन्होंने बोले क्या बात है, भर्ती नहीं होना है? मैंने कहा सर होना था है, पर पीछे क्यों आए? मैंने अगला ख्याल है, ऐसे भर्ती होना है जब खबर देता हूँ, खबर देता हूँ बोलू। और एक बार सुना तो मैंने सुना कि सियारे इंजीनियर गई घर, क्यों क्या बात है? एक बात सुन यार, तुम मेरे को अच्छा मानती है कि नहीं मानती है? मानती है ना कि ना? तो क्या कर के बाहर ना कर, क्या बाहर में बॉयफ्रेंड वेट कर जाओ है? I'm not
मैं तुम्हें आज्ञा के बंधन होने पर भला किस प्रकार से वन ले जा सकता हूँ, क्योंकि वनवास तो मुझे मिला है। इसलिए प्रिय तुम घर में रहो। रहो घर जान की मानो, हमारा जंगल में प्यारी चल चल चलते नहीं मिलती वहां कोई सवारी। जानवर होंगे जिसे देखकर तुम डर जाओगी प्रिय, मेरी बात मानो और अभी भी तुम यही आज्ञा में रहो। मुझे ये बता दीजिए कि आप मुझे साथ लेके चलो। लेके चलोगे मोहे साथ के ना। इसलिए अब हमें माता कौशल्या के पास जाना चाहिए। चलिए। कि राज तिलक में कुछ ही समय सेज बचा है, इसलिए जल्दी से स्नान कर भोजन ग्रहण कर लो। लिखा अंक पिता विधाता आयुष देत मुदित मन माता। माताजी, पिताजी ने राज तिलक नहीं अपितु 14 वर्षों का वनवास मुझे दिया है। तुम क्या कह रहे हो? यह मैं तुम्हारे मुंह से क्या सुन रही हूँ? यही सत्य है माँ। मिल गई आज्ञा मुझे वन गमन के वास्ते, छोड़ता हूँ इस अवध को 14 वर्ष के वास्ते। इजाजत दो मुझे माता, इजाजत दो मुझे मैं होता के रे कदम माता। कुछ ठोस हो हमको उन्हें स्वर्ग पहुंचाई उन्हें। माता पिता के विरुद्ध बोलना पुत्रों को शोभा नहीं देता भैया। आपकी लक्ष्मण कहा जाई नाथ वर चलू मैं रघुराई। प्रणाम पिताजी। प्रणाम। कल्याण।